तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने काफी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी घोषणा इस वक्त आप सभी के लिए किया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा एक के बाद एक काफी महत्वपूर्ण अपडेट, काफी महत्वपूर्ण घोषणा, ऐलान उनके द्वारा किए जा रहे हैं जो कि काबिले तारीफ है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मोदी के 5 वादे, जो मोदी की गारंटी थे, 5 वादे 24 दिन में पूरे, 5 साल में जो है सारे वादे होंगे पूरे। विष्णु देसाई जी ने ये बातें कही है। जी हाँ, चाहे वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जो है 2 साल का बकाया बोनस का राशि हो तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को दिया जा चुका है। करीब जो है प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ में जो है 12 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 2 साल का बकाया बोनस का राशि, बकाया 2 साल का बोनस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हजारों किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में बकाया 2 साल का बोनस का पैसा नहीं आया, उनको भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है 15 दिन के अंदर आपके भी बैंक अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी कलेक्टरों को, सभी जिलों के कलेक्टरों को जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। तो हजारों किसान जो छूट गए हैं, जिनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, वो भी परेशान ना होइए, वो भी नाराज मत होइए, आपके भी बैंक अकाउंट में जो है पैसों की राशि जो है जल्द ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट का यही लक्ष्य है कि सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार देना, सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करना, यही बीजेपी का मेन मोटिव है जो कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे काम बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अगले 5 साल में जो है पूरे वादे पूरे होंगे। इसके अलावा जो 21 क्विंटल जो है धान खरीदने की बात थी प्रति एकड़, तो वो भी हो रहा है, और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे। जो बातें कही गई थी वो भी हो रहा है, अभी आपको 2183 रुपये के हिसाब से प्रति क्विंटल का पैसा मिल रहा है। उसके बाद जो 917 रुपये की राशि है जो बचा है, वो भी आपके बैंक अकाउंट में कुछ ही दिनों में जो है वो भी पैसों की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट्स के द्वारा, विष्णु देसाई सरकार के द्वारा जो भी मोदी की गारंटी थे, जो वादे थे, उन सभी को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की बात कही हो, तो वो भी प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही विष्णु देसाई सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण फैसला आया, और करीब अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है विष्णु देसाई जी के द्वारा, सिर्फ आवंटित किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो जल्द ही आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जो है राशि आपके बैंक अकाउंट में पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, महिलाओं को 12,000 रुपये और गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये काफी महत्वपूर्ण योजना था, महतारी वंदना योजना। इस महतारी वंदना योजना में छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को जो है 12,000 रुपये की राशि आपको जो है सालाना 1 साल में मिलेगा, और प्रति महीने जो है 1,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये काफी महत्वपूर्ण फैसले हैं। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में अगर 1,000 रुपये की भी राशि अगर ट्रांसफर किए जाते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट अपडेट हो जाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को थोड़ा आर्थिक संबल मिल पाएगा, थोड़ी आर्थिक सहायता मिल पाएगा, क्योंकि 1,000 रुपये भी कम नहीं होता, जिससे वो अपने घर के राशन सामग्री भी ले सकते हैं, ये भी काफी जरूरी हो जाता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा गैस सिलेंडर आपको जो 500 रुपये मिलेगा, जो अभी आपको 800, 1200, 1,000 के ऊपर मिलता है, तो इसे जो गरीब परिवार रहते हैं, किसान परिवार से रहते हैं, वो गैस जो है रिफिल नहीं करा पाते, दोबारा एक बार गैस खत्म होने के बाद दोबारा नहीं भरवा पाते। तो ऐसे में अगर 500 रुपये में अगर आपको गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 500 रुपये गैस सिलेंडर सब्सिडी, तो बहुत ही बड़ी राहत होगा छत्तीसगढ़ के सभी गरीब परिवारों के लिए। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो है सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ भी देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो आप सभी के लिए जितने भी फैसले लिए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी इनिशिएटिव काम आप सभी के लिए किए जाते हैं, वो सभी काम, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो हर एक अपडेट आप ऐसे हर एक के लिए जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बीजेपी गवर्नमेंट्स का काम ही है कि आप सभी के लिए अच्छे से काम करना, आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर काम करना, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ दिया जा सके, आप सभी को पूरा का पूरा जो है फायदा मिल सके, आप सभी के लिए ही बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काम किए जा रहे हैं। जी हाँ,
एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जा रहे हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र निकल के आ रहे हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक घोषणा पत्र आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो हर एक घोषणा पत्र आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को परेशान होने की या दिक्कत या किसी भी तरह से परेशानी या प्रॉब्लम फेस करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की गवर्नमेंट आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, और एक के बाद एक आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ मिल सके, आप सभी को पूरा का पूरा जो है फायदा दिया जा सके। आप सभी के लिए ही काम किए जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि आप सभी को अपॉर्चुनिटीज जितने भी हैं वो सभी मिल सके। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इस वक्त जो है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण घोषणा, सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। और जो मोदी के वादे थे, जो 5 वादे, उन वादों को जो है सिर्फ 24 दिन में पूरे किए गए हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए जितने भी जो मोदी की गारंटी थे, उन सभी गारंटी को 5 सालों में जो है पूरे किए जाएंगे, ऐसा विष्णु देसाई सरकार का कहना है, जो कि काबिले तारीफ है। एक के बाद एक आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं, चाहे वो 21 क्विंटल जो है धान खरीदी की बात करें, या 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल के जो है धान का समर्थन मूल्य की बात हो एक मुश्त, वो भी, तो ये काफी अच्छी पहल हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाते हैं। तो जितने भी वादे हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज आप सभी के लिए मायने रखता है, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है फायदा मिल सके, आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ दिया जा सके। आप सभी के लिए ही बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जाते हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उनका सिर्फ एक ही मेन मोटो है कि आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, आप सभी के लिए आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करना, किसानों की आय जो है दोगुनी करना, यही जो है बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे मेन मकसद है, यही बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे मेन लक्ष्य है। तो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ मिल सके, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है फायदा मिल सके। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप जितनी भी जानकारी, आई होप जितनी भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ जो है वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड प्लीज वीडियोस को जो है आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको वीडियोस को शेयर करना। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा बाकी लोगों तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच, कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइए।